नमस्ते फ्रेंड्स, आर एन टैरो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। और वैसे मैं आपको फॉर अ चेंज बता दूं, जनरली मैं अपनी वीडियोस जो है शाम को शूट करता हूं, रात को, और क्योंकि चांस की बात भी कह लीजिए और एक एक ये कह लीजिए कि एक एक ओड टू द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बिकॉज शी डिजर्व्स क्लैरिटी, शी डिजर्व्स ब्रॉड डे लाइट। तो इसलिए ये वीडियो जो है समहाउ मैं दिन में शूट कर रहा हूँ। आई होप यू एंजॉय इट। तो इसके कुछ कीवर्ड्स में हम जाएंगे। सबसे पहले तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में क्या कीवर्ड्स हैं जो पॉप आउट होते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कीवर्ड्स होंगे क्लैरिटी, इंटेलेक्ट, जजमेंट, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इमोशनलेस, इम्पार्शलिटी। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड मेरी नज़र में एक बहुत ही एक सॉलिड कार्ड है। समवन हु हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, समवन हु हैज़ गॉन थ्रू हार्डशिप इन हर लाइफ, समवन हु हैज़ कम टू अ पॉइंट वेयर शी इज एट अ पेडेस्टल वेयर पीपल ट्रस्ट हर, ask her advice and also for her judgment. So Queen of Swords में हम देखते हैं कि Queen of Swords की जो sword है वो पूरी की पूरी जो है बाहर है। Generally आप देखेंगे जो page और knight का जो card है swords का वो पूरा बाहर नहीं है उनका sword, like it's like half drawn. But Queen of Swords और King of Swords का जो sword है वो पूरा का पूरा full drawn है, which means like her intellect is fully developed, her mind is fully developed, and they have evolved, they have grown, they have become wise, both the queen and the king. हम यहाँ देखते हैं कि queen जो है वो बादलों के ऊपर show करती है, और हम ऊपर एक और देखते हैं जो sky में there is only one bird. तो इसके जो meanings हैं जो मुझे समझ में आते हैं वो ये कि क्वीन की जो जजमेंट है वो क्लाउडेड नहीं है, इट्स लाइक वेरी क्रिस्टल क्लियर, शी नोज़ व्हाट शी वांट्स एंड शी नोज़ व्हाट जजमेंट शी हैज़ टू गिव। क्वीन अपने इमोशंस को बीच में नहीं आने देती, शी इज़ लाइक प्योर इंटेलेक्ट एंड शी ओनली थिंक्स फ्रॉम हियर। एंड द बर्ड सिंबलाइजेस दैट शी ओनली केयर्स अबाउट ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ द ट्रुथ। So everything has to be microscopic for her. Everything has to be very clear for her before she says something. So she is not someone who is just going to say things just like that. वो ऐसे ही कुछ ऐसे नहीं कह देगी। उसकी बात में जो है there will be a weight, there will be a reasoning behind it. She is the most logical person we have come across. And क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के लिए मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि दीज आर द क्वालिटीज विच आर वेरी रेयर फॉर द वुमन, एंड जनरली इट इज़ वेरी ईजी फॉर अ वुमन टू गो इन टू लव, डिवोशन एंड इमोशंस। बट हम इस केस में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में देखते हैं कि शी इज समवन हु इज हु हैज डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, हु हैज डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, and it's very rare to find a woman with a very strong intellect, a woman with the sword. Generally we have woman, we can see woman with the pentacles, with the wands and with the cups. It is like very easy for a woman to be with that. But Queen of Sword is very unique in that way, because she's actually a very unique person. She is in some way, she's also a man, because the sword quality is of the man, it's a masculine quality. So having Queen of Sword, if you come across someone, is a rare quality. अब थोड़ा सा मैं इसके एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा जो मुझे लगता है कि it's kind of very fresh, probably आपने शायद कभी इसके बारे में ध्यान ना दिया हो। क्वीन का लेफ्ट हैंड जब आप देखते हैं तो उसमें एक धागा बाहर आ रहा है, एक लटक रहा है, एक धागा आपको दिख सकता होगा, कुछ पेंडेंट टाइप कुछ जो है लटक रहा है। इस चीज़ को मैं जोड़ना चाहूँगा
एट ऑफ सॉर्ट्स है। एट ऑफ सॉर्ट्स को याद करिए, अगर एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आपको याद है तो आप देख सकते हैं इंटरनेट में, मैं प्रॉपर्ली इमेज भी आपको शो कर दूंगा। तो इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि वुमन जो है पूरी तरह से बंधी हुई है एंड और शी इज लाइक शी स्टक, शी कांट मूव, शी इज जस्ट देयर, शी इज हैविंग अ हार्ड टाइम, शी इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ प्रोसेस, अ वेरी पेनफुल प्रोसेस प्रॉब्ली। जो मुझे थोड़ा सा मैं इसके साथ रिलेट कर पाता हूँ कि एट ऑफ वुमन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स वाली जो वुमन है, शी इज द सेम वुमन हु हैज बिकम द क्वीन नाउ, द वुमन हु हैज गॉन थ्रू हर पेन एंड दैट पेन हैज बिकम द पावर फॉर हर, दैट्स द सेम वुमन हु हैज बिकम द क्वीन। और अगर आप इसके स्वॉर्ड को देखेंगे तो स्वॉर्ड में एक्शन नहीं है, एक्शन से ज़्यादा जो है उसमें जजमेंट है। इट्स अबाउट क्लैरिटी, इट्स अबाउट टेकिंग डिसीजन, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट शी वांट्स टू डू, एंड यू कांट टेक दिस वुमन, दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड फॉर अ राइड। इसको आप धोखा नहीं दे सकते, इसके साथ आपको ट्रुथ के साथ ही आपको इसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज शी विल कट यू विद अ सॉर्ड। Cut you with a sword means that she won't tolerate you. और आप अगर इस क्वीन का सबसे जो बड़ा हथियार है वो क्रिटिसिज्म का है, एंड विद हर क्रिटिसिज्म शी कैन जस्ट किल यू, शी कैन जस्ट फिनिश यू। कुछ सिम्बॉलिज्म है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का अगर आप देखेंगे तो, जो कि आप समझ पाएंगे, बिकॉज क्वीन इज टू मच इन टू हर इंटेलेक्ट, शी हैज़ अ फाइन mind, you know, like she is a very strong brain. तो आप देखेंगे कि उनकी जो dress है वो भी clouds की बनी हुई है, you can notice that. And secondly, there is always a discussion, what does this child means? जो queen के throne में आप देखोगे एक बच्चा बना हुआ है, have you ever asked why is that child? आपने कभी इसको पूछने की कोशिश करी? सो मेरी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आता है, ये चाइल्ड सिंबलाइज करता है वुमन का डीपेस्ट डिजायर, दैट शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ मदर, शी ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव दिस चाइल्ड इनसाइड, यू नो, बट बिकॉज ऑफ द पोजिशन इन विच शी हैज बिकम, द वे शी हैज बिकम, द चाइल्ड इज नॉट पॉसिबल। And it could also be the reason, you know, like when we see the eight of swords, that woman has gone through a lot of pain. And because she has gone through a lot of pain, her emotions are finished. They have died. And because they died, with that, the emotion of the child wanted to have a child also died along. But that desire is still there. But also, it just shows like she's not capable anymore. Now it's like a ingrained memory on her throne that queen wanted to have. आप देखेंगे example के तौर पर ज़्यादातर यही आप देखेंगे, जिसका भी strong intellect होता है, it's actually very difficult to bear a child with someone who is having a very strong intellect. And someone who is like more emotional or more down to earth, it's very easy for them to get pregnant. It's like very natural for them. I'm not judging any of them. I'm just describing the qualities here. So, mere dekhe, because of the past painful experience what Queen has gone through and all the suffering which she has gone through, now she has become strong and powerful and she can judge people. She knows who she is dealing with. And she has become Queen of her own life. Now she is the one who is in control. She cannot be controlled. She's almost someone who is enlightened. So in conclusion, Queen of Swords is someone who has a strong intellect, who has a strong judgment. Judgment ke andar jo aap card mein aap dekhte hain,
एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तराजू, उस कार्ड को भी इस कार्ड के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। जो जस्टिस कार्ड की जो क्वालिटी है वो सेम क्वालिटीज जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में भी है। सो शी इज समवन हु इज नॉट इमोशनल एंड शी इज जस्ट गोइंग टू कट यू थ्रू। यू कांट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ईदर बी विद द ट्रूथ और शी विल जस्ट फिनिश यू। सो दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन फॉर यू फॉर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। Do subscribe to the channel. Thank you so much. Namaste.